ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को क्लीन करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ एटॉमिक का ये हाइजेनिक वॉशिंग मशीन क्लीनर। ये फ्रंट लोड हो चाहे टॉप लोड हो, अगर आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो उसके लिए बेस्ट वॉशिंग मशीन क्लीनर है। मैं 5-6 बार इसे यूज कर चुका हूँ और ये ट्रस्टेबल है, इससे काफ़ी अच्छी क्लीनिंग मिलती है हमें। एक्चुअली बाज़ार में और भी बहुत सारे ऑनलाइन साइट पर बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो है ओरिजिनल वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, अगर आप लोग चाहें तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं डायरेक्ट। ओरिजिनल प्रोडक्ट 199 इसका MRP है, और कुछ ऑफर वगैरह हो तो कम में मिल सकता है, बाकी इतना ही इसका प्राइस है। मैं इतने में ही मैंने भी ख़रीदा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहाँ से इसे ख़रीद सकते हैं। यह है मेरी सैमसंग की टॉप लोडेड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, 5-स्टार रेटेड, 7 kg वेरियंट है, और आज इको क्लीन सिस्टम हम इसका यूज़ करने वाले हैं, इको टब क्लीन। तो उसको यूज़ करने से पहले आपको जो ये मैजिक फिल्टर है इसको ओपन करना है, और इसके अंदर अगर आपका कोई भी लिंट है, यानी कि कोई भी कपड़े के रेशे वगैरह अगर इसके अंदर हैं, तो उन सबको आपको यहाँ से हटा लेना है, एक बार पानी से अच्छे से साफ़ कर लेना है। उसके बाद में ये एटॉमिक वॉशिंग मशीन क्लीनर एक बार में पूरा इसके अंदर खाली कर देना है, और उसके बाद में आपको मशीन को क्लोज करके इसका ढक्कन और यहाँ पे पावर ऑन कर देना है। पावर ऑन करने के बाद में ये जो साइकिल वाला बटन है इसको प्रेस करके हमें इको टब क्लीन वाले सिस्टम पर आ जाना है। जैसे ही आप इको टब क्लीन पर आएंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक इसका जो टाइम है 1 घंटा 51 मिनट पर सेट हो गया है। वाटर लेवल 5 पे आ चुका है, वॉश टाइम 24 मिनट, रिंस टाइम 2, और जो ड्राइव वाला है वो 3 पर यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट हो चुका है। तो आपको इनको किसी को भी नहीं छेड़ना है, इको टब क्लीन पर आना है साइकिल के बटन से और सिंपली स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, बस इतना आपको करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी मशीन जो है ऑटोमेटिक जो है रन करना स्टार्ट कर देगी। स्टार्ट बटन प्रेस करने के बाद में दोस्तों जब मशीन चलना स्टार्ट करती है तो उससे पहले ऑटोमेटिक ये चेक करती है कि मैं किस मोड पर ऑन हूँ और क्या फंक्शन यूज़ करना है, वो सारा मशीन ऑटोमेटिकली खुद से चेक करती है, इसके सेंसर काम करते हैं। उसके बाद में ये अपना जो है रनिंग प्रोसेस स्टार्ट करती है, जो अभी ये घूम रही है ये वही चेक कर रही है। अब इसके बाद में थोड़ी देर में जो है मशीन में पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। अब लेवल जो यहाँ पर मैंने आपको बताया था मशीन ने ऑटोमेटिक 5 सेलेक्ट किया है, तो यानी कि 5 मतलब फुल, एक बार ये मशीन पूरी भरेगी। क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों कि जब हमने ये देखे पानी आना स्टार्ट हो चुका है, तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो हमने पाउडर इसके अंदर डाला है वॉशिंग मशीन क्लीनर, ये क्या करेगा दोस्तों, जब इसका टैंक पूरा पानी से जब भर जाएगा ना, तो वो पूरा पानी से भरने के बाद में एक बार मशीन घूमेगी, उसको गलाएगी अच्छे से पानी के अंदर अपने, और उसके बाद में ये जो ड्रम है इसके अंदर उसको पानी को भर के रखेगी, उस पाउडर मिक्स पानी को। तो उससे क्या होगा कि जो मशीन में डर्ट जमा हो जाती है, यानी कि जो वाइट कलर का, जैसे मान लीजिए आप अगर ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पानी में थोड़ा खार है, तो अभी देखेंगे 1 घंटा 49 मिनट अभी दिखा रहा है, तो जहाँ पर अगर मान लीजिए आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पानी में थोड़ा खार है, यानी कि नमक है हल्का, तो फ्लोराइड है अगर जहाँ पर पानी में, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, दाग ज़्यादा जमते हैं मशीन के ऊपर, ड्रम के ऊपर, ड्रम के पीछे की साइड में। तो मशीन क्या करती है, उस पाउडर से पूरा पाउडर मिक्स पानी को, जो केमिकल तैयार हो जाता है ये पूरे पानी में, तो इसको मशीन जो है एक बार अच्छे से गलाती है। उसके लिए मशीन एक बार पूरे से घूमेगी, घूमने के बाद में ये इसके अंदर पूरा पाउडर जो इसका गल जाएगा। उसके बाद में मशीन थोड़ी देर, जैसा अपन सोक करके रखते हैं कपड़ों को, गला के रखते हैं, वैसे मशीन कुछ नहीं करेगी, थोड़ी देर तक शांत रहेगी बिल्कुल। इसके पानी जो है, जो इसकी डर्ट जमा है इसके ड्रम पर, इसके टप पर, उसको पूरे को गलाएगी। एक बार राइट साइड में घूमेगी, फिर उसके बाद में थोड़ी देर रुकेगी, गलाएगी इस डर्ट को, उसके बाद में फिर ये दूसरी साइड में घूमना स्टार्ट कर देगी। फिर ऐसा ये साइकिल इसका थोड़ी देर तक चलता रहता है। अब जैसा कि अभी आपने देखा मशीन राइट साइड में घूम रही थी, अब थोड़ी ही देर में जो है मशीन जो है आपकी लेफ़्ट साइड में घूमना स्टार्ट कर देगी। तो ये जो है प्रोसेस इसी तरह से होता रहता है दोस्तों। ये देखिए अभी स्टार्ट हो चुकी है लेफ़्ट साइड में घूमना। अब ये क्या होता है, ये पूरा जो है डर्ट जो जमी हुई थी, अब पानी एक बार रुक गया, उसके बाद में जो डर्ट थोड़ा जमी हुई थी वो हटी ड्रम पे से, उसको पानी जो है घूमा उसके साथ वो छूट जाएगी। तो इस तरह से ये जो इको टब क्लीन सिस्टम है इस तरह से काम करता है। ये ड्रम के अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, टब के ऊपर, जहाँ पे भी जो खार जम जाती है, डर्ट जम जाती है, उसको जो है ये पानी के अंदर, जो ये आपने वॉशिंग मशीन पाउडर क्लीनर जो डाला है इसकी मदद से वो पूरा गल जाएगा, और आपके ड्रम पे से या टब पे से जहाँ पे भी आपकी डर्ट जमा है वो सारी डर्ट जो है धीरे धीरे करके छूटना स्टार्ट हो जाएगी।
उसके बाद में मशीन एक बार पूरा पानी को ड्रेन कर देगी। ड्रेन करने के बाद में जैसा कि रिंस होता है, वे रिंस के लिए दोबारा से पानी लेते हैं, वैसे दोबारा पानी भी लेगी। ड्राई सिस्टम भी इसका चलेगा, यानी कि जो पानी इसके अंदर आया था वो पूरा का पूरा पानी जो है बाहर निकल करके एक बार ही जैसे ड्राई करने के लिए कपड़ों को सुखाने के लिए घूमती है, वैसे भी ये पूरा घूम करके पूरे पानी को साफ़ करेगी। तो ये पूरा प्रोसेस जैसा वॉशिंग साइकिल होता है आपका, वॉश करना, रिंस करना और ड्राई करना, वो तीनों यहाँ पर ये मशीन यूज़ करती है। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, पानी बहुत वेस्ट होता है दोस्तों। एक बार में 65 लीटर इसके अंदर पूरा पानी आता है, तो वो पूरा का पूरा पानी यहाँ पर एक बार में इसका यूज़ होता है। और ये लगभग दो बार पूरा अपने ड्रम को भरती है, क्योंकि दो बार आधे आधा करके भरती है और एक बार फुल करके भरती है, तो उसमें जो है पानी बहुत खर्च होता है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की यही दिक्कत है, अगर आपके ऐसी जगह पर है जहाँ पर पानी की कमी है तो आप वहाँ पर वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक ना लें, मैं यही सजेस्ट करूँगा। अगर आप ऐसी जगह पर है जहाँ पानी की कोई कमी नहीं है तो आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप यहाँ पर ये ड्राई का सिस्टम जो है स्टार्ट हो गया था, उसके बाद में ये मशीन दोबारा से फिर से पानी लेना स्टार्ट कर देगी। और उसके बाद में लगभग आधा इसका टैंक जो है, इसका ड्रम जो है आधा भरेगा, और आधा ड्रम भरने के बाद में वापस से ये आगे पीछे दोनों साइड घूमेगी, जैसा कि फुल टैंक भरने के बाद घूम रही थी। तो ये इस तरह से इसका जो इको टब क्लीन सिस्टम है इस तरह से काम करता है। आप लोगों के इतने कमेंट आते हैं मेरे पास में कि सर इसके मशीन को साफ़ कैसे करना है, मशीन को क्लीन कैसे करना है, इको टब क्लीन सिस्टम कैसे यूज़ करें, इको टब क्लीन सिस्टम क्या होता है। तो आज की ये वीडियो में पूरी नॉलेज मैंने आप लोगों को दे दी है, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आधा ड्रम भरा है और उसके बाद में जो है वापस से ये मशीन आगे पीछे घूमना स्टार्ट कर चुकी है। तो अभी देखेंगे आप कि इसका जो पानी की क्लीनिंगनेस है, यानी कि पानी की जो देखेंगे आप कितना साफ आपको नज़र आप यहाँ पे अभी आ रहा है। तो जो भी गंदगी थी वो पिछली बार निकल गई थी। तो ऐसा करके ये मशीन जो है अपना पूरा प्रोसेस करती है। अब यहाँ पर हमारे 51 मिनट पूरे हो चुके हैं, एक मिनट अभी बाकी है, 51 मिनट पूरे हो चुके हैं, एक घंटा भी बाकी है, सॉरी एक घंटे तक ये अभी और पूरा प्रोसेस करेगी। अपने मशीन जो है पानी लेगी, ड्रेन करेगी, ड्राई का जो ऑप्शन है वो यूज़ करेगी, और इस तरह से ये मशीन पूरा इको टब क्लीन सिस्टम को यूज़ करती है। और आपको आगे होकर इको टब क्लीन सिस्टम यूज़ नहीं करना है, मशीन में ऑटोमेटिक इंडिकेशन आ जाएगा। जब भी ये मशीन ऑटोमेटिक इंडिकेशन देगी इको टब क्लीन के लिए, तभी आपको इको टब क्लीन यूज़ करना है। मैंने ये स्पेशली वीडियो आपके लिए बनाया है, मेरे पास में कोई इंडिकेशन नहीं आया था, लेकिन आप लोगों के इतने कमेंट आ रहे थे कि मुझे बनाना पड़ा ये वीडियो ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए। और मतलब मशीन मेरी इको टब क्लीन नहीं मांग रही थी, इसका ड्रम इतना गंदा नहीं था, ना ही टब इतना गंदा था, लेकिन आप लोगों की फरमाइश पे मैंने ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया, ताकि आप लोगों को जो है इको टब क्लीन का सिस्टम इसका समझ में आए। अब यहाँ पर ये दोबारा ड्रेन कर रही है पानी को, ड्रेन करने के बाद में इसका ड्राई सिस्टम जो है फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। जब भी इको टब क्लीन ये मशीन इंडिकेशन दे, तब ही आपको इको टब क्लीन करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। अब ये देखिए यहाँ पर फिर से ये ड्राई का फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर रही है, और जो कि इसके अंदर जितना भी पानी था अंदर बाहर, वो सारा मशीन बाहर निकाल रही है ड्राई का सिस्टम यूज़ करके। तो इको टब क्लीन में यही होता है दोस्तों, मशीन के अंदर जो दाग लग जाते हैं, यानी कि आप जो सर्फ का पानी यूज़ करते हो, अगर फ्लोराइड है थोड़ा पानी में, तो पानी के दाग जो है मशीन पर रहना स्टार्ट हो जाते हैं, वो सब इको टब क्लीन की मदद से निकल जाते हैं, और आपकी मशीन जो है लॉन्ग लाइफ चलती है, मशीन की लाइफ अच्छी होती है। पूरा मशीन इको टब क्लीन होने के बाद में पावर को अनप्लग कर देना, तार हटा लेना वॉशिंग मशीन का, और ऊपर वाला जो ये प्लास्टिक का इसका कॉलर है, इसको अच्छे से कोई कॉटन क्लॉथ लेकर के अच्छे से आपको इसको साफ़ कर देना है, ताकि जो भी पानी के दाग ऊपर बचे हुए हैं वो इसके हट जाए और मशीन एकदम साफ़ हो जाए। इसके बाद में ये जो मैजिक फ़िल्टर आपको नज़र आ रहा है, इस मैजिक फ़िल्टर को भी आपको एक बार खोलना है, और मैजिक फ़िल्टर खोल करके आपको इसको अंदर से भी एक बार साफ़ कर लेना है। इस मैजिक फ़िल्टर के पीछे की साइड में जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस केस को भी आपको इसके अंदर यहाँ पर इस स्लॉट को भी पूरा अच्छे से एक बार कॉटन क्लॉथ की मदद से साफ़ कर लेना है। मशीन जितनी आप साफ़ रखेंगे, जितना सही तरीके से चलाएंगे, उतनी ही लॉन्ग लाइफ चलेगी।
तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद में आप वॉशिंग के टाइम पे ना ये ग्लास पे भी जो है पानी के छींटे लग जाते हैं, सर्फ के पानी के छींटे, इसको भी कॉटन क्लॉथ की मदद से अच्छे से साफ़ कर लें। इसकी कवर को, इसके कवर को साफ़ करने के बाद में अंदर से और बाहर से दोनों साइड से इसको अच्छे से साफ़ कर लें। मशीन को जितना आप सही तरीके से साफ़ करके रखेंगे, मशीन उतना ही आपका अच्छा साथ देगी। होप आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, इकोटप क्लीन सिस्टम कैसे काम करता है वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने से पीछे मत रहना, और साथ ही अगर नए हो अभी तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो यही था आज के वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।